नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पर फूलों का जो माला है पहनाया जा रहा है, जिनका नॉमिनेशन हुआ है। देख सकते हैं सभी ये जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन हो गया है और ये विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए यहाँ पर कैंडिडेट बने हैं। देख सकते हैं, आइए हम आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं कैसे यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। एबीपी से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं आप जी। मधुबाला जी बोलिए, क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए आप? हम पहले प्रवेश परीक्षा पे ध्यान देंगे जी। और यहाँ पे अभी वसूली जी, संगठन के लिए क्या बोलना चाहते हैं? संगठन के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे छोटे के लिए और अध्यक्ष पद के दिए गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको मतलब दिए, अध्यक्ष पद दिए। और वो एक ज्ञान से लेखता के लिए हम खड़े उतरेंगे, जो हम काम होगा हम पे विश्वास रखें, उनका विश्वास हम बनाए रखेंगे। अब संगठन के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? कुमार चौधरी नाम। कौन से पद के लिए उम्मीदवार? संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार जी। नॉमिनेशन हो गया आज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नॉमिनेशन। संगठन ने आपके ऊपर विश्वास किया है जी? संगठन ने हमें बहुत विश्वास करके हमें चुना है, हम विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और जहाँ तक रहेगा हम उसमें खड़े उतरेंगे। बहुत सारे छात्र और छात्राओं का आपके ऊपर भार रहेगा, उसके लिए कैसा तैयारी है आपका? जी मेरा अभी तक तो फिलहाल अच्छा तैयारी है, और फिर भी जो है सो हम पूरे चुनाव को और सब चीज़ अच्छे से करेंगे, मेरा अपना जी जान लगा करेंगे पूरी चीज़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। राजा कुमार बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने हमें संगठन हम पर विश्वास करके। कौन से पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? उपाध्यक्ष। अच्छा हाँ बोलिए। संगठन हम पर विश्वास किया है, हम अपने विश्वास को उन्हें कभी ठेस पहुंचने नहीं देंगे जी। और हम अपने छात्र बहनों एवं छात्र भाइयों के लिए बड़ी लगन से मेहनत करेंगे, जिन्होंने हमें अपने आप पर विश्वास रख करके अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। करेगा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? उत्सव परा सर। उत्सव जी कौन से पद के उम्मीदवार हैं आप? महासचिव पद का मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा, तो महासचिव पद के उम्मीदवार हैं आप, जीतने के बाद क्या है यूनिवर्सिटी में नहीं है जो करना चाहते हैं आप? विद्यार्थी परिषद 365 दिन का बड़ा संगठन है जी। इससे पूर्व में भी मैं ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय में एबीवीपी द्वारा सभी सीटों पर जीत दर्ज की गई थी, और जहाँ तक हर संभव प्रयास किया गया कि आम छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद किया जाए, और फिर से विद्यार्थी परिषद पूर्ण बहुमत के साथ इस ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय में सरकार बनाने जा रही है, और फिर से आशा और विश्वास करना चाहता हूँ कि फिर से मैं आम छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद रखूँगा। सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? मैं अपना जी दावा पेश कर रहा हूँ, जरूर मेरी ये विद्यार्थी परिषद का यहाँ भगवा लहराएगा, लहराया था लहराते रहेंगे। डिजिटल युग में क्या करेंगे विशेष डिजिटल के लिए? स्मार्ट क्लास की सुविधा हुई फोकस करेंगे, और हम लोगों का ये रहेगा कि विश्वविद्यालय प्रांगण में जो असामाजिक तत्व है, वाईफाई भी अच्छे से पकड़ता नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? इसका भी हम लोग सुचारू ढंग से शुरू करना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।